ये लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं लीगल तरीके से मांग लेंगे, जमीन को दे दूंगा। सत्यवान रामकिशन ऐसा जी। मैडम इधर मत करिए प्लीज, मैडम सरपंच जी, दिलपाल जी इनको ले जाओ, आप उड़े चले जाओ नहीं पर। रामकिशन मंजीत हरी सिंह, मंजीत हरी सिंह एक मिनट रुको रुको सर, डर जाता हूँ इतनी उतावला ना करे। बताओ बेटा जी, चंद जी, अमर सिंह चंद जी, गियर है ये लोग जो साइड में चले जियो। खुद है धर्मेंद्र गणेश सत्यवान रतिराम, उमेश जयलाल उमेश जयलाल ना वो नहीं वो सॉरी सर रामगढ़ सिंह केदारनाथ चंदगी राम इनके साथ में कौन है अमरलाल बुलुल थोड़े पीछे हो जाओ कंपनी दस्तक नहीं हो पीछे हो जाओ वो भी ले जाए पंच पढ़ना आता है ना संत लाल हरी सिंह भाई रणबीर भगवान दो मिनट उठा रहे हैं नरेश राम सिंह आखिरी में आया है तुम्हारा तो है नहीं मर्जी बची हुई है सतीश राम किशन तुम्हारा क्या ये निष्पक्ष हो गया ना आखिरी में बचा तुम्हारे हाथ में थोड़ी था आखिरी हो गया। आज आप लोगों ने जो बीपीएल का ड्रा किया है गांव कालवास का ये किस नियम के तहत किया गया और क्या आदेश थे? ये हाईकोर्ट के आदेश थे कि ये 41 प्लॉट को लॉट के अंतर्गत हमें निकालना था तो हमने 41 लोगों का नाम गांव वाले इकट्ठे किए जो 41 लोग थे सरपंच साहब SCPO साहब सबके साथ वीडियो रिकॉर्ड करके हमने ये लॉट निकाला। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। आज आप लोगों ने जो BPL का ड्रा करवाया गया है ये क्या आदेश थे और क्या नियम के तहत ये ड्रा किया गया है? सबसे पहले तो हम जो इस प्रक्रिया के तहत जितने भी अधिकारीगण थे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि निष्पक्ष
और सबके सामने ये ड्रा निकाला गया है जी। 2008 में प्लॉट अलॉट किए गए थे भाई, जो इंदिरा गांधी बस्ती योजना के नाम से एक स्कीम आई थी सरकार की, जो गरीब परिवार हैं उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएं। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हमारा प्रोसेस लंबा चल गया। तो आज ये प्लॉट वही उसी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जिनके नाम आए हुए थे उनका आज ड्रो निकाला गया सर। नहीं सर, कोई केस नहीं था जमीन। तो आप लोगों ने जो ये मतलब आउंटे, तो मतलब जो आप बता, डिस्प्यूट किस चीज का था? नहीं, डिस्प्यूट ये था कि पहले जैसे हमारी कुछ किसी कारणवश ये स्कूल में खसरा नंबर दे दिया गया, तो खसरा नंबर स्कूल में देने की वजह से वहाँ प्लॉट अलॉट नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्कूल है बच्चों का। उसके बाद दौरान दूसरी जगह दी गई, उसमें अवैध कब्जा होने की वजह से वहाँ प्लॉटों की समस्या रही, वहाँ प्लॉट अलॉट नहीं किए गए। फिर तीसरी बार हमारी जो पिछली पंचायत थी उसने प्रस्ताव कर दिया तीसरी जगह का, तो वो जगह के आज हमने उसी जगह पर जो पिछली पंचायत ने इसमें ये ज़मीन दी थी खसरा नंबर 45/52 किला नंबर 21-22-23-24/1 ये ज़मीन अलॉट की गई थी पिछली पंचायत ने। उसी पंचायत के थ्रू आज हमने एसडीएम साहब के सामने और एसीपीओ साहब की मदद से, एसडीएम साहब की मदद से और एसीपीओ साहब की मदद से और गांव वालों की सहायता से आज जो ये प्लॉट थे ये सभी प्लॉट यहाँ निकाले गए। जो ये ड्रा हुआ है सरपंच साहब, या निष्पक्ष रूप से हुआ है? ये आप सब गांव वाले बताएंगे सर, हमने तो निष्पक्ष की पूरी कोशिश की है। गांव वाले ये बता सकते हैं निष्पक्ष हुआ है या गलत हुआ है सर, ये आप गांव वाले एक बता दियो हाँ या ना। हाँ जी, जो आज ये ड्रा हुआ है निष्पक्ष रूप से हुआ है, कोई किसम तो बढ़िया काम करी है जी। अच्छा, हाँ तो के दर ने पूछो ठीक हुआ जी, बिल्कुल सही हुआ जी, बढ़िया काम करिया, कोई भेदभाव नहीं, बढ़िया काम करिया जी, बहुत बढ़िया काम करा जी, एक नंबर का काम करा सरपंच साहब ने और सरपंची करा है, और बिकड़े गिरने भी जगह नहीं थी, लोग जानते गरीब आदमी थे जी, 15 साल में कटे हैं वो, 15 साल में जी नंबर आया है, किसी सरपंच ने किया ही नहीं, 15 साल से बहुत नंबर का काम कर दिया।